मैनेजमेंट में शामिल है, अपना खाना पीना पार्टी देख रहा है अंकित, ये एंटरटेनर ऐसी है। तो रियली वी आर एंजॉयिंग। जब कैंपिंग के लिए जा रहे हो तो कई सारे फायदा है, जैसे इस जगह का आनंद आप होटल में नहीं मिल पाएगा आपको। ये जो हम लोग रात भर आनंद किया है, जो मजा लिया है यहाँ पे इस जगह का, ये आपको होटल में नहीं मिलेगा। तो वहाँ के कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। यहाँ पे मेरा ख्याल से एडवांटेज ही हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखिए ये बजट से हम चल रहा है, खर्चा पानी भी हमें बहुत ही कम हो रहा है, साइड में रिवर है, पानी वहीं से हम लोग इस्तेमाल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पानी मिल जाता है वहीं हम लोग डेरा लगा देते। ये ब्यूटेन गैस है और ये इसका स्टोव है। अच्छा, ये अगर आप देरी करते हैं तो रिफिल नहीं होता है और ये 4 घंटे तक कंटिन्यूस चल सकता है। 4 घंटे में आपकी मैगी, चाय, कॉफ़ी, उपमा, पोहा कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये 4 घंटे आता है, ये तकरीबन 150 रुपये या 160 रुपये के आसपास आता है। मार्केट में अवेलेबल है? ये मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जैसे हम लोग अभी आए हैं ना लेह लद्दाख में, तो लद्दाख में अगर कहीं चाहिए तो किसी मार्केट में मिल जाएगा ये आइटम? ये लेह मार्केट में मिल सकता है, बाकी कहीं नहीं मिल सकता। कहीं नहीं मिलेगा, तो साथ में एक दो एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए। साथ में एक दो क्या, आप 3 एक्स्ट्रा लेके आइए। ये 4 घंटे तक चलता है और ये बिल्कुल ठंडी जगह में सक्सेस है। और ये जो स्टोव है ये तकरीबन 500 से 550 रुपये तक आता है और ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दुकानों में मिल जाएगा। ये पानी गर्म रखने के लिए है, इसमें आप गर्म कीजिए, क्योंकि ठंडी इलाके में जब आप आते हैं तो पानी आपको ठंडा वाला पिया नहीं जाता, तो इसमें आप गर्म पानी बनाइए। कितना देर तक चलेगा ये तकरीबन 18 से 20 घंटे तो मिनिमम चलता ही है। अच्छा, ये क्या क्या करी किया हो इसमें? इसमें हमारे सब खाने पीने की सामान है, इसमें स्टोव है, छोटा सा स्टोव भी हम लोग रखते हैं, बिस्किट है, नमकीन है, इसमें पोहा है, ये कल बनाएंगे, मैगी है, इसमें तेल है, इसमें बाकी कपड़े वपड़े हैं जो किचन के आइटम है, ये सब चम्मच वगैरह है, चीनी है, चाय पत्ती है, यही सब है। कहाँ पे है पाकिस्तान? सामने। पिछले ब्लॉग में यहाँ पे इसी खाडुंगला टॉप पे एंड किया था और आज हमारा जो एपिसोड शुरू हो रहा है इसी खाडुंगला से हम शुरू करेंगे। और आज का जो जर्नी रहेगा दोस्त, हमारा साथ रहिए, एक मज़ेदार सफ़र होने वाला है। आगे हम आपको ले चलेंगे हुंडेर होते हुए, डिस्किट मोनेस्ट्री होते हुए, आपको तुरतुक के बाद आगे लास्ट इंडियन विलेज थांग, वहाँ पे मैं आपको ले चलेंगे। थांग में मैं आपको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी विजिट कराएंगे। रास्ते में चलते चलते बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, तो चलिए इंतज़ार करिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं वादा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है और आप रियली इंजॉय करेंगे। स्की कोर्स है, टूरिस्ट के लिए ट्यूब राइडिंग है, स्लेज राइडिंग है, सब कुछ है सर। अच्छा, तो परसों से शुरू होगा। अच्छा, फिर आप कभी भी आ सकते हो। ये हमारा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक वर्ल्ड हाईस्ट एंड वर्ल्ड चीपेस्ट स्की रिजोर्ट बनाने का। ओके। हाँ, नहीं तो बहुत महंगा रहता है हर जगह। अच्छा जी, तो ये परसों से शुरू होगा। आप क्या कर रहे हैं? अभी ट्रैकिंग कर रहे हैं, हमें ट्रैक कर रहे हैं, गाड़ी आ रहा है, हमें यहाँ से लिफ्ट लेके जाना पड़ता है। ओके ओके ओके, नाइस टू मीट यू सर। एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये पूरा दिन दोस्त हम लोग काफी एंजॉय करते हैं और मुझे लगता है मैं सारी चीज ये वीडियो का माध्यम से आपको दिखाऊं, लेकिन हम मजबूर है, 25 मिनट का वीडियो बनाया और पूरा दिन का टूरिंग हम इसमें शामिल किया और उसमें से भी आपको लगेगा ये काफ़ी लेंदी है। तो दोस्त हम जाए तो कहाँ जाए ये बताइए। ये नुब्रा वैली है, अब नीचे जो है हम लोग पहुँचेंगे, नीचे देखते कहाँ हम लोगों का कैंप सेटअप करते हैं। हाँ जी, श्योक रिवर। ये श्योक रिवर है, राइट साइड में जो रिवर है ये श्योक रिवर है, लेफ्ट साइड में सियाचिन कस्कस है और हम जा रहे हैं राइट साइड में नुब्रा वैली की ओर। ओके, यहाँ पे काफी सारे आपको ढाबा मिल जाएगा नुब्रा वैली में स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम यहाँ रहे सर खालसर में। खालसर, खालसर। ओके, अभी
समय शाम का 7 बजे है। देखिए दोस्त, यहाँ पे अभी धूप जैसे लग रहा है, अनदर 1 घंटा और भी धूप रहेगा। अभी अंधेरा होने वाला है, हम लोग डिसीजन लिया है ये जो राइट साइड में सियाग रिवर है यहीं पे राइट साइड में कहीं एक जगह देख करके हम लोग टेंट लगाएंगे और रात यहीं पे हम लोग बिताएंगे। तो देखिए, ये चाय चाय नहीं, ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी का कलर तो भाई बहुत बढ़िया बनाया है। तो हमारा शुरुआत कॉफ़ी से हो रहा है और देखिए अभी भी लगे हैं हमारा साथी और यहाँ कुछ आग जलाने का बंदोबस्त हो रहा है क्योंकि काफ़ी ठंडी है। ये लकड़ी हमने यहाँ से चुने थे, इस जगह पे गिरा पड़ा था, एक एक करके हम लोग सारे मिलके चुने। ठंडी में कॉफ़ी का जो चुस्की लेने में जो मज़ा है शायद और किसी में है। एक चीज़ और है, यहाँ पे मैगी बहुत ही चलता है, मैगी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि गर्मा गर्म चीज़ है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और लगता भी अच्छा है। सबसे पहले कॉफ़ी, उसके बाद उपमा। हमारा ये उपमा बनाने का जो पूरा श्रेय जा रहा है, हमारा साथ में है सैमुअल है, वो अंदर बैठा हुआ है। मैं उसको बोला बाहर आ जाओ, अभी उसको ठंडी लग रहा है। देखिए आग लगा दी हम लोगों ने, इसका श्रेय जा रहा है हमारा अंकित का ऊपर। अभी तक तो सही रहा हमारा जो 6 दिन अभी बीते हैं। 6 दिन में कैसे रहा हमारा टूर? बहुत अच्छा रहा, एक बार भी थकान जैसा फील नहीं हुआ, एक बार भी ऐसा नहीं लगा हम अपने घर से बहुत दूर है। हाँ, बहुत ही टेंशन मुक्त, बहुत ही ज़्यादा फ्री, बहुत ही बेस्ट व्यू के साथ। ऐसा आप कितना भी पैसा दे दे पर ये व्यू एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाएंगे कहीं भी जाके, तो बहुत अच्छा है। आप सब भी आइए और रूम में होटल में रहने के बजाय अपना खुद का टेंट लगाइए। ओके, और किसी का कुछ व्यूज, रिमार्क्स, ओपिनियन? हर दिन हमारे लिए कुछ नया आता है, हर दिन हमें कुछ नया देखने को मिलता है और हर दिन जो एक्सपेक्टेड होता है उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिखाई देता है व्यूज़ के मामले में। ओके, तो मैं एक बार अपना ये जो है ना जिन्होंने हमें नाश्ता करवा रहा है सुबह सुबह, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, ये भी कुछ बताएंगे। दो सब ज़्यादा नहीं बताना, 30 सेकेंड में बताओ। शुरू किया था दिल्ली से, अभी पहुँच चुके हैं खारदुंगला से आगे नुंगरा वैली पे। जितना आगे बढ़ रहे हैं उतने मजे, जितने आगे उतने मजे। ये सामने रिवर है और रिवर से अभी देखो हमारा जो साथी है पानी लेकर आ रहा है 20 लीटर पानी। ये पानी रास्ते में हमारा काफी काम आएगा। देखो प्योर मिनरल वाटर। भाई सारे 8 बज रहे हैं, यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए जर्नी और हमें 102 किलोमीटर हम आज कवर करेंगे, जिसमें से आपका सैंड ड्यून्स दिखाएंगे, जहाँ पे डबल हम वाला ऊंट देखते हो वहीं पे भी मिलेगा। जगह नहीं, जगह नहीं। लेडीज ने हाथ दिखाया था हमें, कुछ असिस्ट चाहिए, उनको लिफ्ट चाहिए था, बट हमारे पास ऑलरेडी वी आर 5। देखिए यहाँ से डिस्किट है 11 किलोमीटर, तो सबसे पहले डिस्किट आएगा। We have reached to डिस्किट विलेज और देखिए हमारा लेफ्ट साइड में डिस्किट एक मोनेस्ट्री है, फेमस मोनेस्ट्री है, वहाँ पे भी हम लोग विजिट करेंगे, बट वो वाइल रिटर्निंग, क्योंकि हमें पेंगोंग लेक जाना है और पेंगोंग लेक इसी रोड से वापस हमें वापस जाना है पेंगोंग लेक के लिए। तो हम जाएंगे अभी तुरतुक वैली, तो पहले उस वैली हम विजिट करेंगे, वापस जब आएंगे वाइल कमिंग बैक रिटर्निंग उसी समय हम ये जो मोनेस्ट्री है इस मोनेस्ट्री को विजिट करेंगे। देखिए दोस्त, ये डिस्किट में आपको पेट्रोल पंप भी है, आप चाहे तो यहाँ पेट्रोल भी भरा सकते हो। तो इट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये देखिए पेट्रोल पंप। अभी धीरे धीरे हम लोग जो हुंडेर सैंडुंग है वहाँ पे हम पहुँचने जा रहे हैं, जहाँ पे आपको डबल हम वाला कैमल्स मिलेगा, उस एरिया हम पहुँचने वाले हैं। जस्ट इसीलिए देखिए रेतीली पहाड़ आपको धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, शुरुआत हो रहा है यहीं से।
तो ये राइट साइड से जाना है हंड्रेड दोस्त, अभी हंड्रेड नहीं जा रहा हूँ, हम थ्रूट तो आगे जाएंगे, देन आगे वापस ऑयल रिटर्निंग, यहाँ पे हंड्रेड भी कवर करेंगे और डिस्किट भी कवर करेंगे, तो दोनों जगह ऑयल रिटर्निंग विल कवर। पीछे चला गया हंड्रेड, हंड्रेड से 81 किलोमीटर है हमारा तुरतुक, और यहाँ से जस्ट अनदर 14 किलोमीटर के बाद आएगा थॉयस। तो दोस्त हम थॉयस होते हुए हम आगे जाएंगे तुरतुक तक, और यहाँ का रोड देखिए सिंगल रोड है, और थोड़ा सा संभाल के जाइए, राइट साइड में तो थोड़ा सा हरियाली दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में सूखा पहाड़ है, और ब्लाइंड टर्निंग है यहाँ पे, छोटा छोटा टर्निंग आ रहा है, हंड्रेड ब्रिज है ये, और देखिए लेफ्ट साइड में सब को स्तूपा बोलते होगा ना, स्तूपा है यहाँ पे, काफ़ी सारे इसको इसी टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो बुद्धिस्ट लोगों ने बना के रखे। जिस एरिया से हम अभी गुजर रहे हैं, मतलब वी आर क्रॉसिंग द प्लेस थॉयस, तो आपका एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले सिविल एयरक्राफ्ट यहाँ पे आते थे, लैंड करते थे, बट अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू है, बट नियर फ्यूचर में ये चल रहा है अभी बातचीत, इसका पेपर प्रोसेसिंग चालू हो गया है, और हो सके विद इन फ्यू मंथ या विद इन ए ईयर यहाँ पे चालू हो जाएगा, ये थॉयस तक आप बाई ईयर पहुँच सकते हैं। थॉयस में आने के बाद डिस्किट और तुरतुक ये सारे जगह आप कवर कर सकते हो, बट अभी एज ऑफ नाउ आपको डायरेक्ट ले से आना पड़ेगा आपका ओन अरेंजमेंट करते हुए, और ये जो आपका जो खर्चा होगा आप अगर प्राइवेट हायर करते हो उसका सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप रेफर करके आप अकॉर्डिंगली प्लान बना सकते हो। अदरवाइज आप अगर नीचे से दिल्ली साइड से आप बाई कार आ रहे हो दैट इज समथिंग एल्स, बट यहाँ के अगर ले में पहुँचने के बाद प्लान कर रहे हो देन उसका डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा। दिन में ही एक बस चलता है सिविल बस, और वो बस जो है ना सुबह 8 बजे अगर यहाँ से जाना चाहते हो डिस्किट से बस में जाना चाहते हो तो बस भी अवेलेबल है यहाँ पे, एक बस दिन में चलता है और 2-2.5 बजे तक आपको पहुँचा देगा ले में। और कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? यहाँ हिमाचल से डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए अभी एक रोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है जो 6500 करोड़ का है, तो नियर फ्यूचर आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, आपको खारदुंगला और ये सब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट मनाली से यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जाने की जरूरत पड़ेगी, ले जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं भी ऐड करना चाहूँगा कि कभी भी इस लोकेशन पे आए तो आप पूरा मोबाइल फोन या फिर ऑनलाइन चीज़ों पे डिपेंडेंट ना रहे, एक मैप का हार्ड कॉपी और आपके माइंड में ये रूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनेक्टिविटी इशू कभी भी हो सकता है तो आप उसके सहारे नहीं रह सकते। अगर अगर आप अपने माइंड में एक मैप और एक रूट अगर मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा, और रिसर्च करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस एक हार्ड कॉपी ऑफ मैप रहेगा तो आपको एक ऑलमोस्ट आइडिया हो जाएगा कि हमें किधर जाना है और किस रूट को फॉलो करना है। लोकल्स का हेल्प ले सकते हैं आप, लेकिन स्टिल अपना प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए जो रोड है, ये रोड आज से कुछ साल पहले बहुत ही ख़राब था और ये अनइवन था, उबड़ खबड़ था, आजकल देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया, दो गाड़ी पार्क तो कर सकते बट एक साथ नहीं जा सकते, मतलब अप डाउन नहीं हो सकता। देखिए साइड में कुछ दिया गया है स्पेस जहाँ आप साइड करके आप पास ऑन कर सकते हो व्हीकल को, और रोड को तुर तुक तक ऐसे ही रोड मिलेगा जो हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला, और लास्ट तक हम जरूर दिखाएंगे। देखिए बाइकर्स भी जा रहा है, बट एक चीज़ मैं बताऊं दोस्त, ये लोग कॉन्फिडेंस के साथ जरूर जाते हैं, बट पिछले एक दिन की बात कर रहा हूं, यहां पे एक बाइकर्स का स्किड हो गया था, अब जाइए कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। ये एरिया देखिए सूखा बिल्कुल बंजर एरिया है, ये देखिए गोल गोल पत्थर वाला पहाड़ है, ये देखिए देख रहे हो दोस्त, ये अलग है, यहाँ पे दिक्कत है, काम चल रहा है रोड पे, लार्जिया ब्रिज है इसका नाम जो है ना, लार्जिया ब्रिज है, देखिए एक ही व्हीकल एट ए टाइम आप पास कर सकते हो यहाँ पे, पूरा केव जैसा फील है, यहाँ पे पूजा वगैरह चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे अनइवन रोड है,
थोड़ा सा स्लो करो। उधर जाता हूँ नहीं तो दिक्कत है। तो टायर बंद, स्मेल आ रहा है क्योंकि ये चढ़ाई पे। यहाँ से अनादर 1 किलोमीटर आगे है आपका चंगमार विलेज मिलेगा। और अभी जो रोड जा रहा है, देखिए दोनों साइड पत्थर का बीच में से रोड बनाया गया, पत्थर का हटा के रोड बनाया गया है और उसका बीच में से हम लोग अभी जा रहे हैं। तो इस एरिया में, इस क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में आएंगे तो कई सारे चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। पत्थर का बीच में से भी जाना है, आप सैंड का बीच में भी जाना है, बर्फ का बीच में से भी जाना है। हर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हिल एरिया में अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपको प्रायोरिटी हमेशा देना है जो नीचे से ऊपर आ रहा है उस व्हीकल को, ठीक है। आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए और उनको पास ऑन करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अगर दूर से कार आ रहा है और कोई भी व्हीकल आ रहा है तो उसको देखिए। आप वो गाड़ी जो आ रहा है आपका गाड़ी, ऐसा ना हो दोनों एक साथ ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि आपको लगे वहाँ पे पास करने का कोई स्पेस ही नहीं है। तो बेटर आप पहले रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए और उनको पास करने दीजिए। ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाना पड़ेगा इस एरिया में। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। दुर्गा ब्रिज है इसका नाम है, दुर्गा ब्रिज। इस ब्रिज को जब क्रॉस करेंगे आप, एक ही व्हीकल एट टाइम आप ब्रिज का ऊपर जाएंगे, एक एक करके जैसे क्रॉस होगा दूसरा व्हीकल जाएंगे। सेम एक्सरसाइज आपको भी करना है फॉर योर बेटर, फॉर योर सेफ्टी और फॉर अदर्स ऑल्सो। वो हमारा सामने जो कार जा रहा है, जैसे ही वो क्रॉस करेंगे उस ब्रिज को, देन हमारा गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। एक ही टाइम में एक ही कार जाना है, इसको आप ध्यान में जरूर रखिए। चलिए वो निकल गया, अभी हम जाएंगे। देखिए सारे बाइकर्स ने यहाँ पे रुक गया और सब सेल्फी फोटोग्राफी जो भी करना चाहे कर रहा है ये लोग। ये रिवर, हम अभी तक राइट साइड में थे, अभी लेफ्ट साइड में हो गया हमारा सहयोग रिवर। यहाँ पे दोस्त एक चेक पोस्ट है, तुरतुक जाने से पहले यहाँ पे आपको उतरना है और आपको व्हीकल डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए नोटिंग हो रहा है। यहाँ से जैसे ही आप चेक पोस्ट से आगे जाएंगे 2 किलोमीटर आगे सहयोग वॉर मेमोरियल आपको देखने को मिले। जैसे आपने सहयोग वॉर मेमोरियल से नीचे आएंगे 1.5 किलोमीटर नीचे ये जगह है। यहाँ पे एक बार आप इस जगह का व्यू आप ले सकते हो, बहुत ही बेहतरीन। सामने देखिए पहाड़ पे आपको बर्फ़ दिखाई दे रहा है, नीचे सहयोग रिवर है और वहाँ पे सैंड अगर आपको देख रहा है ये पहाड़, और वो सामने सहयोग वॉर मेमोरियल। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो रोड दिखाने का पर्पस, बार बार हम क्यों दिखाते हैं रोड, आपने भी जब यहाँ पे प्लानिंग करते हो कोई जगह टूरिंग के लिए तो क्या करते हो, सबसे पहले नेट में सर्च करते हो उस जगह जाने के लिए क्या रोड अवेलेबल है और अल्टरनेट रोड क्या है। तो आपने जैसे हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा ये रोड में आप खुद जा सकते हो ड्राइव करते हुए, या आपको हायर करके व्हीकल लेके जाना चाहिए। ये सारे चीज़ दिमाग में आपको आएगा, फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको खुद ड्राइव करके आएंगे, आप इंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे सारी चीज़, और रोड का कंडीशन देखते हुए आप सारी चीज़ डिसीजन आप वीडियो देखते हुए आप करेंगे। तो दैट्स वाई हम बार बार रोड को आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। जगह पे ऐसे ही रोड देखने को मिलेगा। अभी अनदर 21 किलोमीटर हमें जाना है। वो सामने दोस्त देखिए एक ब्रिज और है, सिमिलर टाइप ब्रिज है जैसे पहले एक ब्रिज हमने क्रॉस किया एट ए टाइम वन व्हीकल,
ये ब्रिज भी ऐसे ही है। स्पीड लिमिट यहाँ का है दोस्त 5 किलोमीटर ओनली, बिल्कुल स्लो, जीरो स्पीड पे चलना है। हमने जैसे ये ब्रिज क्रॉस करेंगे उस तरफ चला जाएंगे, देन पीछे जो हमारा व्हीकल वेट कर रहा है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कहने का मतलब ये है एट ए टाइम वन व्हीकल इस ब्रिज पे चढ़ना है। ये जो ब्रिज हमने जस्ट क्रॉस किया पीछे है अभी भी, और इस जगह तक 1971 में पाकिस्तान का फोर्ट जो है इस जगह को कैप्चर कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। तो हमारा जो बहादुर सिपाही है लद्दाख स्क्वाड, उन्होंने रात में -27 डिग्री टेम्परेचर में इस जगह को उन्होंने अटैक कर दिया था उस पाकिस्तानी फोर्स के ऊपर, और उनको यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्त आप अगर आर्मी से बिलोंग करते हो, आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे ये जो थंग विलेज है, थंग विलेज के पास एक जीरो पॉइंट है, तो उस जीरो पॉइंट में जाने के लिए आप अगर जाना चाहते हो, आप सर्विस होल्डर हो, आप यहाँ पे इससे 80 किलोमीटर पीछे प्रतापपुर है, वहाँ से आप ब्रिगेड से, इनका जो ब्रिगेड है सहयोग का, उस ब्रिगेड से आप परमिशन लेकर के आप जीरो पॉइंट तक जा सकते हो। बट परमिशन आपको मैंडेटरी है, परमिशन लेना जरूरी है, उनका ब्रिगेड से आप परमिशन लेके आ सकते हो, जीरो पॉइंट जा सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए रोड का ये डाइवर्सन है, एक नीचे जा रहा है एक ऊपर भी जा रहा है, तो हमें नीचे नहीं जाना है, ऊपर वाला रोड पकड़ना है। थंग विलेज तो हम पहुँच तो गए हैं, बट एग्जैक्ट लोकेशन में अभी तक पहुँचा नहीं है। व्यू पॉइंट सामने है थंग विलेज का। अभी इस समय हम थंग विलेज पहुंच गए, ये लास्ट पॉइंट है इंडिया का, लास्ट विलेज भी है। तो यहाँ पे बायनोकुलर अगर सामने रखा है, वहाँ से यहाँ पर जो व्यू है पीओके का, वो सारे चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पार्किंग एरिया एक बार पहले, सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पार्किंग एरिया है। काफ़ी सारे विजिटर्स यहाँ तक पहुँचे हैं, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रोड कंडीशन है काफ़ी हद तक यहाँ ख़राब है, सिंगल रोड है। वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ सामान भी खरीदारी यहाँ कर सकते हो आप। देखिए ये क्या एप्रिकॉट है क्या, ये कितना का है ये सब? ये 350। मेरा को एक टेस्ट कराओ थोड़ा सा, ऐसे ही, थैंक यू। ये बाइनोकुलर किस लिए है, कितना लेते हो? 50 रुपीज। क्या देखता है यहाँ से? कहाँ पे है पाकिस्तान? हाँ जी सामने, तो दोस्त पहुंच गए हम टॉप पे, इंडियन लास्ट विलेज पे। और ये जो सामने आप हिल देख रहे हो, ये माउंटेन, इस माउंटेन पे हमारा इंडियन बंकर्स है। और ये जो आप रिवर देख रहे हो, ये LOC में आता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहीं पे। और सामने यहाँ से तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप अगर बायनोकुलर लेते हो यहाँ पे, काफ़ी सारे बायनोकुलर आपको मिल जाएगा, 50 रुपये लेते हैं बायनोकुलर से। वो सामने ग्रीनरीज दिखाई दे रहा है, हार्डली 1 किलोमीटर होगा। तो वो जो 0 पॉइंट है, मैं उसी पॉइंट का बात कर रहा था। आप अगर आर्मी पर्सनल है या डिफेंस से रिलेटेड है, आपका आई कार्ड है, पीछे प्रतापपुर है, वहाँ से ब्रिगेड से उनका परमिशन ले लीजिए और वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। वहाँ पे आपको ब्रीफ करेगा आर्मी पर्सनल के लिए, वो 0 पॉइंट तक आपको जाने के लिए परमिशन मिलेगा। सामने एक गेट जैसे उधर से विलेज है, ठीक है, वहाँ पे। तो दोस्त वो 0 पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको आर्मी ब्रिगेड से प्रतापपुर में है, वहां से परमिशन लीजिए और वहां 0 पॉइंट तक आप पहुंचिए। हुंडे रूट सवारी,
डिस्क्रिट मोनेस्ट्री, सेओक वार मेमोरियल, ये सारे चीज़ आपको दिखाने का वादा करते हुए आज मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ। मेरा ये पेशकश आपको कैसे लगा जरूर कमेंट्स करिए, शेयर करिए और एक लाइक तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए।